हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फिटनेस वीडियो। और गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। फिलहाल आज मैं बाइक टैक्सी में काम करूँगा। बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा था, कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा था। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, भैया क्या हुआ, अचानक वीडियो आपका कोई नहीं आ रहा। तो भाई क्या बताऊँ यार, लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब एक प्रॉब्लम से ऐसे निकल रहा हूँ कि दूसरा प्रॉब्लम आ जा रहा है। मतलब संभलने का भी मौका नहीं मिल रहा है। बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट करते हैं, भैया डेली वीडियो बनाया करो। मैं कोशिश भी करता हूँ और स्टार्ट भी कर लेता हूँ, फिर कुछ दिन बाद पता नहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। फिर वो मतलब फ्रीक्वेंसी जो रहता है वीडियो अपलोड करने का, वो फिर से बंद हो जाता है। मतलब क्या बताऊँ, बहुत कुछ बात करना है आज आप लोगों के साथ। ज़्यादा काम नहीं करेंगे, देखते हैं रात होने से पहले मैं घर आ जाऊँगा, क्योंकि तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ, सर्दी उर्दी लगा है। ठीक है, रास्ते में आप लोगों से बहुत सारा बातें करनी है आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला वाला ऑर्डर मुझे किससे मिलता है। कर ली, पूरा रास्ता घेर के खड़ा था यार, जगह ही नहीं दे रहा, सब मुझे को देख रहा था। क्या यार, उबेर से दोस्तों पहला वाला राइड मैंने एक्सेप्ट किया। हालांकि पहला वाला राइड जो मिल रहा था वो रैपिडो से मुझे मिल रहा था, बट मैं रैपिडो से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि थोड़ा पैसा मुझे कम दिख रहा था उसमें। और फिर सेम डिस्टेंस का ही एक और राइड मुझे मिल गया उबेर से। अब मुझे जितना लग रहा है कि ये वही कस्टमर है जो रैपिडो से बुकिंग कर रहे थे, कोई एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद उबेर ने फिर ट्राई किए होंगे। तो उबेर से मैंने एक्सेप्ट किया और आई थिंक मैं कस्टमर के लोकेशन के आसपास आ चुका हूँ। रास्ते का हालत तो बहुत ख़राब है भाई इधर का। अबे यार, रोड का तो बैंड बजा हुआ है पूरा, इधर ही जाना है भाई साहब। रोड का पूरा हालत ख़राब है। यदि कासो अभी गिरता मैं। ओ भाई, बच गया यार, सामने का चक्का पूरा स्किड कर गया था, गिरते गिरते बचा। रास्ता का हालत देखो भाई, ये रोड है भाई, रोड का दही बड़ा बना के रखा है। ओ भाई, खतरनाक रोड है, खतरनाक रोड है भाई। इन्हीं को जाना है शायद, मैम खड़ी है सामने। बुझते पर अपने एटा कोले नहीं बुझे पर। हाँ, आगे अपने बसे जान। तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि ये रैपिडो से बुकिंग की थी, तो इन्होंने रैपिडो से पहले बुक कर रही थी तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर उबर से जब इन्होंने बुक किया तो मैंने एक्सेप्ट किया। ऑब्वियसली इसमें उबर में पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा था मुझे, और रैपिडो में जबकि मुझे 28 रुपया मिल रहा था और इसमें 45 रुपया, तो फ़ायदा था, इसीलिए मैंने फिर उबर से एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे जैसे आया ना गाइस, एक और राइड मुझे मिल गया। कौन दी गई थी गई अपन? ठीक है, जब बॉसो हेलमेट ना ना पुल एक तो नहीं है बॉसो। हेलमेट दे, यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल है। हाँ देखो, अरे भाई सब्सक्राइबर मिल गया यहीं पे। तो गाइस देखो, आज एक सब्सक्राइबर भी मुझे मिल गया। ये आके बोल रहे थे भाई डेयर टू ड्रीम्स, मैं भी शौक हो गया। तो ये मेरा वीडियो देखते हैं, घर के पास ही रहते हैं। अंदर से तो माहौल बड़ी मस्त है यहाँ का। कभी अंदर आया नहीं था इसके, जिस यूनिवर्सिटी का, आज अंदर भी आया। হ্যাঁ, ক্যামেরা অন আছে। কোনটা? এই যে কভারটা দেখো, হেলমেটটা, হেলমেট বাড়িতে। ভাই আলাদাই মহল হে পুরা, পিকচারো মে জেসা মহল দিখা থা না কলেজ কা, বেসা হি হে। অবভিয়াসলি প্রাইভেট কলেজ হে তো বেসা হি হোগা হি মহল,
हम लोग तो भाई सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं भाई जहाँ पे स्टूडेंट तो छोड़ो यार, टीचरों का भी अत्ता बत्ता नहीं होता भाई, बिलीव नहीं करोगे। मतलब अभी मेरा इतना ख़राब टाइम चल रहा है ना, ये जनवरी के महीना, मतलब आज 31 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये शायद इस महीने में मैं शायद 8 या 9 नंबर वीडियो शायद बना रहा हूँ। सोचो ऐसा हालत ख़राब है। और उबेर से एक राइड मुझे मिल रहा है 150 रुपये का भाई। कहाँ का है भाई, एक्सेप्ट तो पहले करते हैं उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है इनको। 150 रुपये का राइड है भाई, छोटा मोटा राइड नहीं है। 150 रुपये का राइड नहीं छोड़ सकते भाई, चाहे जैसे भी हो भाई। इतना गर्दा हो रहा है, पूरा धूल धूल हो गया। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई, इतना ख़राब टाइम चल रहा है ना अभी लाइफ में। मतलब ये जनवरी में ना तो यार शुरुआत काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो गया। बट उसके बाद ना गाइस यार क्या बताऊँ यार, शायद 2nd या 3rd जनवरी को मैं थोड़ा रियलाइज़ किया कि मेरा Insta360 में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जो मैं कैमरा जिससे मैं अभी ये सब चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। अब ये प्रॉब्लम जो आया था ना, इसको ठीक करने के चक्कर में लगभग 10-11 दिन मेरा इसी में चला गया। तो उस दौरान कोई वीडियो नहीं बना पा रहा, तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे भाई। अब जैसे कैमरा ठीक हुआ, वीडियो बनाना शुरू किया, 2 या 3 वीडियो बनाए भी थे कि भाई एक और मुसीबत हाथ धो के पीछे पड़ गई भाई। मेरा YouTube चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। मतलब YouTube को लग रहा था कि मैं किसी और का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रहा था, मतलब मैं अपना वीडियो नहीं बना रहा था, मैं किसी और का वीडियो लेके अब बस ऐसे अपलोड कर दे रहा हूँ। बताओ यार, 3 साल से 4 साल से बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है, YouTube को अभी लग रहा है कि मैं किसी और का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मतलब कोई सेंस बनता है भाई, बताओ यार भाई। वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा फेस दिखता है, एंड में मेरा ही फेस रहता है, बीच में भले भाई मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ जैसा मैं बता रहा हूँ भाई, यूट्यूब को भी इसको भी प्रूफ देना पड़ा, फिर उसको जाके रिव्यू देना पड़ा, तो उसमें 5-6 दिन लग गया, फिर टाइम वेस्ट उसमें तो जैसे वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना, अरे यार कितना लंबा जाम लग गया भाई, साइड से निकल जाइए। तो जैसे वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना भाई, तबीयत फिर से ख़राब हो गया। और तबीयत जो ख़राब हुआ भाई, लगभग 10 दिन से भाई तबीयत ख़राब ही। आज 31 जनवरी को मैं निकला हूँ, सोच रहा हूँ अभी भी तबीयत ख़राब ही है, खांसी हंसी हल्का फुल्का है। एक्चुअली क्या ठंडा लग गया था, ठंडा। याद है दोस्तों लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था, उसमें बता रहा था मैं बारिश हो रहा था, बारिश में भीग गया मैं, फिर कैमरा बंद करना पड़ा। तो वही वाला दिन में मेरा ऐसा कांड हो गया, उस टाइम एक्चुअली क्या बहुत भीग गया था, मतलब पूरा ठंडा वेदर किया था, पानी भी गिरा ना, तो सर्दी उर्दी लग गया, तबीयत वबीयत बहुत ख़राब हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला भाई क्या किया तू भाई, पूरा ठंडा लग मार लिया तुझको यार। अरे भाई अब क्या करें, दवाई ववाई दीजिए जल्दी ठीक हो जाए। तो दवाई ववाई खाया, फिर अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ हूँ मैं। तो भैया कहा कि स्पेंसर के पास है कहीं पे, तो इन्हीं को जाना है। तो ओला से मुझे एक राइड मिला है, एक्सेप्ट किया हूँ। सॉल्ट लेक Sector 5 ही जाना है, Sector 1 से। और काफ़ी देर इंतज़ार कर रहा था मैं कि भाई कोई राइड नहीं मिल रहा था। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, अभी मैं आया ना उधर से, मैं बारानगर के रत्तल्ला से, तो उनको अभी सॉल्ट लेक यहीं पर उतारा Sector 1 में। उसके बाद से काफ़ी देर वेट कर रहा था कि कोई राइड मुझे नहीं मिला, ऑलमोस्ट आधा घंटा वेट किया मैं, बट कोई राइड मुझे मिला नहीं, ऑर्डर मिला नहीं। और आपको यकीन नहीं होगा, ओला मेरा ऑन था, मतलब पूरे रास्ते ओला ऑन था, एक बार भी बजा नहीं। अब बोले यार ये क्या सीन है भाई, एक बार भी बजा नहीं ओला, बजना तो चाहिए था बट एक बार भी ओला बजा नहीं। मैं तो टेंशन में आ गया भाई, ओला से राइड नहीं मिल रहा क्या बात है, बट ऊबर से बैक टू बैक मिल रहा है। बट फाइनली अभी ओला से एक छोटा सा राइड मुझे मिला है, इनको आई थिंक सॉल्ट लेक इनको जाना है क्या। थैंक यू। तो ये भैया थे यार, बहुत अच्छे थे, बोले तो फर्स्ट टाइम इस बाइक में चला हूँ, ऐसा बाइक जिंदगी में कभी मिला नहीं भाई बाइक टैक्सी के फील्ड में। चलो अच्छी बात है, अब मैं यहाँ पे उल्टा डंगा में आ चुका हूँ, देखता हूँ यहाँ पे साइड में थोड़ा सा खड़े होंगे।
अब ऐसे जगह है ना कि यहाँ पे रुक भी नहीं पाते ठीक से। हाँ, घर के तरफ से एक राइट एक्सेट किया हूँ। उबेर से शाम बजट जाना है इनको, बट है कहाँ पे, यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो अभी मैंने उनको यहीं पे उतारा और ये बारानगर के आसपास आ चुका हूँ मैं। और उबेर में काम करने का यही एक फ़ायदा होता है गाइस, यार माई रूट बुकिंग ऑन करो, कंपनी आपके घर के तरफ का ऑर्डर देती है, नो डाउट, हमेशा एटलीस्ट आपके घर के 5-10 किलोमीटर के आसपास तो ला के छोड़ देती है। और मेरा हमेशा से मतलब 99% चांस रहता है कि मैं बारानगर के आसपास आ जाता हूँ माई रूट बुकिंग ऑन करने के बाद। कंपनी मुझे ऑर्डर देती है घर के तरफ का, एटलीस्ट बारानगर आते मेरा हो जाता है, उसके बाद से फिर उतना नहीं मिलता, बट कोई बात नहीं यार, इतना भी मिल जाए तो ख़राब नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ यार, उबेर में काम करो यार, अच्छे से काम कर पाओगे बिना कोई टेंशन के। तो उबेर में अभी तक दोस्तों ज्वाइनिंग नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक के थ्रू ज्वाइन करेगा तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी कंपनी देती है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला वाला लिंक है उसके लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर लेना। और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है, तो उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लो, 1 घंटे के अंदर आईडी भी एक्टिवेट हो जाती है। ओके दोस्तों, मैं ना सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दूँ और आप लोगों को अर्निंग भी दिखाई देता हूँ कि यार कितना अर्निंग हुआ। ओके, फिर घर जाके फिर और ज़्यादा वीडियो बनाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा वैसे, तो यहीं पे खड़ा होता है साइड में और आप लोगों को बता देता हूँ कि कितना कितना अर्निंग हुआ। वैसे ओला एंड उबेर से ही मैंने जो राइड किया, रैपिडो से मैंने कोई राइड एक्सेप्ट नहीं किया आज। ओके, एंड चलो ऑफलाइन कर देते हैं यहीं से, तो कितना अर्निंग हुआ बता देता हूँ आपको, देख लो 641 रुपया हुआ उबेर से। कितना राइड मैंने आज कंप्लीट किया, 9 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया, ठीक है, 9 ऑर्डर कंप्लीट करके 641 रुपया मैंने अर्निंग किया। एंड ओला से बता देता हूँ आपको, 3 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया, ठीक है, 3 ऑर्डर कंप्लीट करके 144 रुपीस अर्निंग हुआ, ठीक है। तो टोटल अगर मिला दिया जाए 144 और 600 कितना देखे थे, 641, 144 प्लस 641 तो 785 रुपये मैंने आज अर्निंग कर लिया, सिर्फ 7 घंटे काम किया। तो फिर 12 बजे करीब निकला था, वैसे घर और भी थोड़ा जल्दी मुझे जाना था बट लेट हो गया, माई रूट बुकिंग अब थोड़ा सा ऑर्डर ठीक से मिला नहीं, गड़बड़ हो गया इधर उधर, तो ठीक है चलो यार 7 घंटे में 750 तक अर्निंग हो गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो चलो दोस्तों वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और क्या ही अच्छी लगा होगा भाई मुझे, मेरा तो खुद मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था ना, तो मेरा भी मन अजीब सा हो गया था यार, वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ यार, अजीब लग रहा है। तो फाइनली एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा ब्लॉग कर लिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।